job. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं LIC कंपनी के कुछ 3 ऐसे डार्क सीक्रेट आपको बताने वाली हूं जो कि आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे, लेकिन आपके लिए वह 3 डार्क जो सीक्रेट हैं उसको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, कौन से हैं वो 3 डार्क सीक्रेट और उनके प्लस पॉइंट हैं या फिर माइनस पॉइंट हैं, यानी कि उसमें अच्छाइयाँ हैं या फिर बुराइयाँ हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलने वाला है, तो फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर कीजिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी जो नई वीडियोस हैं उनकी जो अपडेट है सबसे पहले आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगर मैं बात करूँ कि वो 3 डार्क सीक्रेट कौन से हैं, तो सबसे पहले सीक्रेट की अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारा मैच्योरिटी। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर LIC में प्लान लेता है तो प्लान लेते समय एजेंट है जो कि एक अमाउंट बताता है जो कि आपको मिलेगा, यानी कि एजेंट अगर आपसे कहता है कि आपको इतने साल बाद इतना पैसा मिलेगा, यानी कि एजेंट द्वारा भविष्य में क्या मिलने वाला जो पैसा है वही आपकी मैच्योरिटी होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या डार्क सीक्रेट है? दोस्तों, इसमें डार्क सीक्रेट ये है कि एजेंट आपको जो भी पैसा बताते हैं कि आपको 10 साल बाद या फिर 20 साल बाद मिलेगा, उतना पैसा आपको नहीं मिलता। क्या ये बात फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, इसका अगर मैं आपको रीज़न दूं कि ये प्लस पॉइंट है या फिर माइनस पॉइंट है, तो फ्रेंड्स ये हमारा प्लस पॉइंट है, यानी कि अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे है? दोस्तों, वैसे कोई भी एजेंट तो आपको गलत नहीं बताता है। हमारे जो LIC कंपनी है उसमें एक LIC का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि कैलकुलेट करके बताया जाता है कि आज से 20 साल बाद आपको क्या पैसा मिलेगा। तो कैलकुलेशन होती है आज के करंट बोनस रेट के अकॉर्डिंग, लेकिन आने वाले 20 सालों में ये बोनस रेट सेम तो नहीं रहेगा, या फिर घट जाएगा या फिर आपका बढ़ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मैच्योरिटी चेंज हो जाएगी। अब दोस्तों, भविष्य में बोनस यानी कि इंटरेस्ट बढ़ेगा या घटेगा इसका तो एजेंट को भी नहीं पता होता है, और अगर हम कहें कि जो बोनस है वो सेम रहना चाहिए, इंटरेस्ट सेम रहना चाहिए, तो फ्रेंड्स अगर LIC ने भी इतने सालों के बिजनेस में अगर अपना इंटरेस्ट सेम रखा होता, चेंज ना किया होता, तो LIC का भी वही हाल होता जो कि सहारा कंपनी का हुआ है। क्योंकि सहारा कंपनी में क्या था कि इतना ज़्यादा वो लोग इंटरेस्ट देते थे, एजेंटों को भी इतना ज़्यादा कमीशन देते थे कि कंपनी जो है घाटे में चली गई और कंपनी को भागना पड़ा। तो फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उसे हर साल क्या होता है, अपडेट करना पड़ता है, अपने कामों को अपडेट लाना पड़ता है अपने कामों में। ये नहीं कि जो आपका इंटरेस्ट 10 साल पहले था, 20 साल पहले था, और आज के टाइम में आपको जो मैच्योरिटी मिल रही है तो वही इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पैसा बहुत कम मिलता है, ऐसा नहीं है। जो भी करंट बोनस रेट होता है उसके आधार पर आपको पैसा मिलता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ LIC में ऐसी भी पॉलिसीज होती हैं जिसमें कि गारंटेड रिटर्न मिलता है, यानी कि आपको जब आप पॉलिसी लेते हैं तभी आपको बता दिया जाता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, वही पैसा आपका जो बॉन्ड आपका एक पेपर आता है, इतना बड़ा जो आपका एक पेपर होता होगा, उस बॉन्ड पेपर पे भी लिखा हुआ रहता है कि गारंटेड रिटर्न और आपका कितना पैसा मिलेगा, वो पैसा आपको सेम मिलता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे डार्क सीक्रेट की। फ्रेंड्स, दूसरा डार्क सीक्रेट है हमारा राइडर। दोस्तों, वैसे तो LIC में कई सारे राइडर होते हैं और कई सारी पॉलिसी होती हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर हमारा एक प्लान है जिसका कि नाम है जीवन लक्ष्य प्लान, 933 नंबर इसका टेबल है। तो फ्रेंड्स, ये प्लान अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है, किसी मैन को दिया जाता है, किसी आदमी को दिया जाता है, तो उसमें ज़रूरी है कि आप टर्म राइडर लें। अगर आप बिना टर्म राइडर की पॉलिसी लेते हैं तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलता है जो कि मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कई बार एजेंट क्या करते हैं कि आपको बताते ही नहीं है कि इसमें आपको ये राइडर लेना है, आपको पता भी नहीं होता है, क्योंकि
इतनी सारी बातें तो आप नहीं जानते ना जितना कि एजेंट जानता है। तो एजेंट क्या करता है कि आपको टर्म राइट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, इसका भी रीज़न होता है, क्योंकि इसके लिए जो क्लाइंट होता है उसका मेडिकल करवाना होता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा झंझट होता है। तो एजेंट सोचते हैं क्यों ना इस झंझट से बचा जाए। फ्रेंड्स, सारे एजेंट जो हैं ऐसा नहीं करते। कुछ एजेंट है कि वो बताते हैं क्लाइंट को सामने से कि आप ये राइडर लेते हैं तो तभी आपको इस पॉलिसी के पूरे बेनिफिट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लोग LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी लेते हैं तो अपनी एजेंट से कहकर अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर ज़रूर ऐड करवाइए। उसके ऐड होने से आपका प्रीमियम तो ज़रूर बढ़ जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको और ज़्यादा सिक्योरिटी मिल जाती है। फ्रेंड्स, ये आपका टर्म राइडर है, ये जीवन लक्ष्य पॉलिसी में ही ज़्यादातर दिया जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें जो है अगर कोई फीमेल कोई महिला अगर इस प्लान को लेती है तो उसको टर्म राइडर नहीं मिलता। दोस्तों, उसमें भी कई सारी कैटेगरी होती है, कैटेगरी ABC। जिस कैटेगरी के अंदर एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है, अगर उस कैटेगरी के अंदर फीमेल आती है, जैसे कि अगर वो अपना ITR रिटर्न करती है, उसकी गवर्नमेंट जॉब है या फिर किसी लिस्टेड कंपनी में वो जॉब करती है, तो उस केसेस में टर्म राइडर दिया जाता है फीमेल को। अब फ्रेंड्स, हमारा जो तीसरा डार्क सीक्रेट है LIC का और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा और सबसे लास्ट जो डार्क सीक्रेट है वो है लोन। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने भी LIC में लोन लिया होगा या फिर अभी भी लेने का सोच रहे हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी LIC में लोन लेने का सोच रहे हैं तो उसमें आपको हर 6 महीने यानी कि 6 माही किस्त जो है भरनी होती है। तो अगर आप हर 6 महीने में अपनी किस्त भरते रहते हैं, साथ में अपना जो है प्रीमियम भी भरते रहते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट अपना पे नहीं किया और उसको 2 साल 3 साल हो चुके हैं, तो दोस्तों आपके ब्याज पर और एक्स्ट्रा उसमें ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बोल रही हूँ। एक केस था जिसमें कि 40,000 का लोन लिया था और उसमें 40,000 का ब्याज लग चुका है 7 सालों के अंदर। अगर आप इसे 9.5% के हिसाब से जोड़ें, 10% के हिसाब से जोड़ें, तो भी इतना इंटरेस्ट नहीं बैठता है। जितना लोन था उतना इंटरेस्ट हो गया, यानी कि 40,000 का लोन था, 40,000 इंटरेस्ट हो गया, तो 80,000 अब उस क्लाइंट को पे करना होगा। तो दोस्तों, आप भी ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आपने भी LIC में कोई लोन लिया हुआ है और आप उसे किस्त नहीं भरते हैं, तो ये ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि जितना आपको किस्त देनी है लोन की, उससे ज़्यादा आपका पैसा जाएगा अगर आपने उसको रोक रखा है। इसलिए लोन की जो किस्त है, अगर हो सके तो उसको आप बिल्कुल भी मत रोकिएगा। 6 महीने में भरते रहिए, ज़्यादा नहीं होता है, उसको महीने महीने आप पैसे निकालते रहिए और 6 महीने में जाके भरिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे LIC के कुछ 3 डार्क सीक्रेट जो कि मैंने आपको आज की वीडियो में बताए। दोस्तों, मैंने आपको काफ़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट जानकारी देने की कोशिश की। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं और यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब के बिल्कुल भी मत जाइएगा और प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।